हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल नेट एजुकेशन सो दिस चैनल इज़ फॉर ऑल द एंटी यूजीसी नेट एंड जीआरएफ आर एफ एसपीरियंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एजुकेशन सब्जेक्ट पेपर टू अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम काउंसलिंग के बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर ई बी टी अप्रोच को डिटेल में डिस्कस करेंगे आर ए बी टी अप्रोच आपका होता है रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी जो कि काउंसलिंग के अंदर आता है ये आपकी यूनिट थ्री के डी सेक्शन के साथ बिलोंग करता है बिफोर अंडरस्टैंडिंग वट इज़ आर ई बी टी अप्रोच फर्स्ट हम ये समझ लेते हैं ये काउंसलिंग के अंदर है और काउंसलिंग क्या होती है कि काउंसलिंग दी जाती है आपको एक्सपर्ट के थ्रू ताकि आप अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और अपने एनवायरनमेंट में ईजिली एडजस्ट हो सकें ठीक है और ये अप्रोचेज़ जो काउंसलिंग में से आपका आर ए बी टी अप्रोच आता है और आर ई बी टी अप्रोच काफ़ी ही प्रैक्टिकल होता है नेचर ठीक है तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ इन्होंने एक आपको ए बी सी डी ई एफ टेक्निक दी थी उसको भी हम डिस्कस करेंगे तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिफोर टू स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ क्योंकि वहाँ पे हम डेली और रेगुलर बेसिस पे कई सारे एम सी क्यूज प्रीव क्वेश्चन को हम लगातार लगा रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप कर रहे हैं ना सिर्फ प्रीवियसर क्वेश्चन लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए मॉक टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस practice कर सकते हो दूसरों के साथ कंपेयर कर सकते हो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलते हैं डेली बेसिस पे तो बेटर होगा कि आप सब उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हो क्वेश्चन के साथ साथ आप आ, मेरे चैनल पर जितने भी पी डी पुरानी यूनिट्स के जितनी कवर हुई हैं उसके भी आप एक्सेस कर सकते हो ठीक है तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज आर अप्रोच फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉगनेटिव बिहेवियर अप्रोच जैसे कि आपको टर्म जैसे साउंड कर रही है कॉगनेटिव बिहेवियर अप्रोच इसके अंदर आपका कॉग्निटिव एलिमेंट इन्वॉल्व होता है कि कैसे हम काउंसलिंग में इन दोनों चीज़ों का इन दोनों अप्रोचेस का यूज़ करें किसी पर्सन को काउंसलिंग करने के लिए ठीक है कॉग्निटिव बिहेवियर आपका एक ऐसा अप्रोच होता है जिसमें आप एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और उसकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हो ठीक है मेंटल हेल्थ को आप प्रूव करते हो कैसे मेंटल हेल्थ को आप इम्प्रूव करोगे आप क्या करोगे उसके एग्जांपल अगर इंसान ट्रॉमा में है वो डिप्रेशन है उसे किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो आप उसके काग्नेटिव बिहेवियर अप्रोच का यूज़ करेंगे और उसके इमोशंस के साथ साथ उसके बिहेवियर को भी मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे मेंटल हेल्थ पर आप काम करेंगे ठीक है कागनेटिव और बिहेवियर अप्रोच आपका कॉम्बिनेशन होता है ये हैंड इन हैंड चलता है साथ के साथ चलता है विदाउट डीलिंग विद दिटिव अप्रोच यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर फॉर द बिहेवियरल अप्रोच ये ध्यान रखना अगर आप अपने किसी पर्सन के माइंड के ऊपर काम नहीं करेंगे उसके मेंटल हेल्थ को आप ठीक नहीं करेंगे तब तक उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे इसलिए बेटर यही होगा कि अगर किसी पर्सन चाहे वो काउंसलर हो वो काउंसलिंग करना चाहता है किसी पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है तो सबसे पहले उसको पर्सन के मेंटल हेल्थ पर वर्क करना पड़ेगा अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी अगर उसका मेंटल जो प्रोसेसिंग अच्छा चलेगा वो हेल्दी सोच सकता है तो उसके बिहेवियर में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं उसका बिहेवियर भी अच्छा हो जाएगा ठीक है तो यही आपको एक ऑगोनेटिव बिहेवियल अप्रोच कह रहा है बिहेवियल अप्रोच हमारा स्पेसिफिकली फोकस करता है ह्यूमन के बिहेवियर पे ह्यूमन के बिहेवियर पे ये फोकस करता है स्पेसिफिकली ये बेस्ड होता है किसी बिलीव पे जो कि हम किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को लर्न कराना चाहते हैं एग्जाम्पल जैसे कि हमने पैबलो की कंडीशनिंग देखी थी पैबलों की कंडीशनिंग देखी थी कि जिसके अंदर उनका जो ऑनर था पैबलॉक की कंडीशनिंग करा था उसके अंदर बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेके आ रहा था कि पहले वो क्या करता था फूड को देख कर ही उसको साइड करते ही और उसकी स्मेल करते ही वो सेलिवेट करना स्टार्ट कर देता था लेकिन बाद में जाके उन्होंने उसका स्टमुलस चेंज किया बैल उन्होंने लिया ठीक है बैल हमारा कंडीशन स्टिमुलस था जिसको बैल को लिया और उन्होंने उसके बिहेवियर को चेंज करना स्टार्ट कर दिया जैसे जैसे वो बैल बजाते थे उसी तरह से जो जो हमारा डॉग था वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता था, था और उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करता था क्योंकि उसको लगता था बैल बजेगी और फूड उसका आएगा इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं हम उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं बिहेवियर के अंदर चेंजेस आपके दोनों तरीके से हो सकते हैं या आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करें ठीक है और आप क्या करें उसको ऑन करें एग्ज़ाम्पल हमारा जो फूड की साइट को देखना वो क्या कर रहे थे हम पहले साइट जो फूड की साइट को देखकर ही देखकर ही वो अंदाजे लगा लेता था स्मेल करके कि भाई अब उसका फूड आने वाला है बाद में जाके उसकी जब हमने कंडीशनिंग करी बैल की तो हमने क्या किया सिर्फ और सिर्फ बैल बजा के उसे फूड देना स्टार्ट कर दिया तो हम क्या कर रहे हैं किसी एक स्टूमलस को निकाल रहे हैं दूसरे को ऐड कर रहे हैं इसी तरह से बिहेवियरिंग और कंडीशनिंग हमारी तभी होती है कि जब हम एक पर्टिकुलर बिहेवियर को लर्न करवाया जाए उसके उसके पूरी कंडीशनिंग कराई जाए उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आई जाए तो यही आपको बिहेवियल अप्रोच कह रहा है और बिहेवियल अप्रोच के अंदर आपके कई सारे एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं ठीक है कई सारे एक्शन से मिलकर आपका एक पर्टिकुलर बिहेवियर बनता है तो ये आपको ध्यान में रखना है आई होप आपको समझ आया कॉग्नेटिव बिहेवियर अप्रोच क्या है ठीक है दोनों की दोनों एलिमेंट्स हैं जो कि अप्रोच यूज़ हो रहे हैं काउंसलिंग करने के लिए पर्सन की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और इसके साथ साथ उसके बिहेवियर में मॉडिफ़िकेशन करने के लिए ठीक है और मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है इसमें बिहेवियर मॉडिफ़िकेशन बिहेवियर मॉडिफ़िकेशन एंड प्लस हमारा हो रहा है मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट तो ये हमारा कॉगनेटिव अप्रोच के अंदर आ जाता है ठीक है अब हम नेक्स्ट देखते हैं बिहेवियर अप्रोच के हमारे दो फेज में होते हैं ठीक है दो फेज को हम पाकर किसी भी पर्सन की बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं कैसे करेंगे एक होता है टॉकिंग फेज जिसको हम कह रहे हैं कि पर्सन के साथ बातचीत करके उसके साथ बैठ कर उसे बातचीत करके उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं जो काउंसलर है हमारा ये पूरे के पूरे अपने तरफ से हंड्रेड परसेंट ये इंश्योर करता है और श्योरिटी के साथ एक टॉकिंग करके उसका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करता है दूसरी तरफ आता है आपका परफॉर्मेंस फेज परफॉर्मेंस फेज आपकी एक ऐसे एफर्ट्स होते हैं जो कि क्लाइंट को लर्न कराया जाता है किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को रिवॉर्ड के थ्रू एग्जाम्पल क्या करते थे जैसे कि हमने ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग कंडीशनिंग इसके अंदर पढ़ी थी में क्या कर रहे थे चूहा चूहे को रेट को रिवॉर्ड दिया जा रहा था ताकि उसका पर्टिकुलर बिहेवियर सस्टेन रहे आगे तक बना रहे उसे री दिया जा रहा था अगर आपने ये थ्योरी नहीं पढ़ी है ना ऑपरेंट कंडीशनिंग की तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसके अंदर मैंने री इन्फोर्समेंट स्कड्यूल्स को भी डिटेल में डिस्कस किया है अगर आप ये पॉइंट मिस आउट कर रहे हैं तो ये गलती है आपकी आप उसको जाके देख सकते हो ठीक है और वो उसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो तो अगर आप उसको पढ़ कर आपको ज़्यादा समझ आएगा और आप उस टॉपिक से रिलेटेड उस टॉपिक से आप अगर पढ़ लेंगे तो हर तो बिहेवियल अप्रोच जब आपके सामने आएगा तो ईजिली आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर टर्म जो रिवॉर्डिंग रिवॉर्डिंग काफ़ी यूज़ होता है रिवॉर्डिंग री ताकि आपको पता चले कि हम रिवॉर्डिंग और आ, हम री क्यों दे रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को सस्टेन करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को एलिमिनेट करने के लिए दो तरीके से हम रिवॉर्ड दे रहे हैं तो ये सब आपको पता होना चाहिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ठीक है अब हम परफॉर्मेंस फेज़ में क्या कर रहे हैं परफॉर्मेंस फेज़ में कर रहे हैं कि हम एक बच्चे को या हम किसी पर्सन को क्लाइंट को रिवॉर्ड देकर उसके बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन करने की आ, काम कर रहे हैं ठीक है चीके? दो तरीके से हो सकता है बिहेवियर अप्रोच का यूज़ काउंसलिंग भी ठीक है आई होप ये आपको समझ आया होगा टॉकिंग फेस एंड परफॉर्मेंस फेस नेक्स्ट आता है काग्नेटिव बिहेवियर अप्रोच ये आपको सेम कह रहा है कि कागनेटिव अप्रोच हमारा फोकस करता है किसी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग को किसी इंफॉर्मेशन की और किसी कॉन्सेप्ट की ये आपका डील करता है मेंटल प्रोसेसेस में जैसे कि परसेप्शन मेमोरी फीलिंग थिंकिंग रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉग्नेटिव अप्रोच जब भी आपकी बात होती है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉग्नेटिव अप्रोच जब भी यूज़ होएगा तो वो आपके माइंड की प्रोसेसिंग की बात करेगा आपकी फ़ीलिंग्स के बारे में बात करेगा आपकी थिंकिंग एबिलिटी के बारे में बात करेगा आपके रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी इसके अंदर आ जाएगी तो जब भी कॉग्निटिव अप्रोच uh, की बात हो तो यानी कि आप जान लो कि पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट योर मेंटल प्रोसेसेस, योर परसेप्शन एंड हाउ वेल यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड विच विल हेल्प यू टू मॉडिफाई सर्चन बिहेवियर ठीक है आई होप ये आपको स्टेटमेंट समझ आई होगी जो मैंने अभी बोली है इसको ध्यान में रखना ठीक है और ये कुछ डेफिनेशन थी जो कि आपको एरन बैक ने दी थी अबाउट कागनेटिव अप्रोच कि कागनेटिव अप्रोच आपका एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि आपके थॉट्स और परसेप्शन का काम करता है और आपको बताता है कि आपके थॉट्स और परसेप्शन एक इफेक्टिव इम्पैक्ट डालते हैं आपकी फीलिंग्स पर जैसा आप सोचते हैं वैसा आप व्यवहार करते हैं आप इतना समझ लीजिए हाउ वेल यू यू थिंक एंड देन यू एक्टर एक्ट अकॉर्डिंगली यू थिंक एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली ठीक है ये स्टेटमेंट से आप याद कर लोगे कागनेटिव बिहेवियर का यू थिंक एंड देन यू एक्ट अकॉर्डिंगली तो जो एक्ट कह रहा है वो आपका एक्टर हो रहा है वो आपका बिहेवियर है और दूसरी तरफ है थिंक यानी कि सोच रहे हो आप वो आपका कॉगनेटिव है ठीक है ये आपको बताने की कोशिश करें इस डेफिनेशन में और पर्सन के आपकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स होती है और पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स होती है ये एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो अपने इन नेगेटिव और पॉजिटिव जो थॉट्स के अंदर एक तरह की सॉर्टिंग कर पाए और जो उसके लिए बेस्ट है उसे चूज़ कर पाए और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाए अगर पर्सन ये कर लेता है तो पर्सन की मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं है किसी चीज़ को जानने की समझने की कि क्या आपके लिए गलत है क्या आपके लिए सही है तो तब तक आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं कर पाएंगे इसलिए यह आपकी काग्नेटिव बिहेवियल अप्रोच के बारे में बता रहा है कि कॉग्नेटिव प्रोसेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए इसलिए जो हमारा काउंसलर होता है वो क्या करता है उसका मेन मकसद यही होता है कि पहले वो आपके मेंटल प्रोसेस पे काम करे अगर वो आपके मेंटल प्रोसेस पे काम कर लेगा आपकी फीलिंग्स पर काम कर लेगा तब आपकी जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा ठीक है और इसीलिए, इसीलिए हमारी आर ई बी टी अप्रोच यूज़ होती है क्योंकि आर ई बी टी अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जो कि इंसान की इमोशनल यानी इमोशंस पे, उसकी फीलिंग्स पे काम करता है ताकि पर्टिकुलर चेंजेस लेके आ जाए उसके बिहेवियर में तभी हम इसको कहते हैं रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी ठीक है तभी हम उसको इसलिए कहते हैं अब देखो अब कॉग्रेटिव बिहेवियरल अप्रोच थेरेपी के अंदर ही हमारा ये आता है आर जिसको हम रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी कह रहे हैं और ये हमें किसने दी है ये हमें दी है एल्बर्ट इल्स किस ने किसने दी है ये हमें एल्बर्ट ने दिस नेम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कभी भी अगर ये नेम आपको मिलेगा तो आपको समझ जाना है एल्बर्ट इल्स की बात हो रही है तो यानी कि आर e. ए बी टी की बात हो रही है अब हम एल्बर्ट इल्स की थियोरी को डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर कई सारे ना मोडिफिकेशनस आए थे कई सारे इसके अंदर थियोरी के अंदर इनके नेम चेंज हुए थे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनके नेम्स बार बार चेंज होते रहते थे पहले क्या था इनका जो नेम था इस थेरी का वो था रैशनल थेरेपी ठीक है ये जो आपकी थेरेपी थी रैशनल मोटिव बिहेवियर थेरेपी थी इसका सबसे पहले ओरिजिन हुआ था रैशनल थेरेपी से बाद में जाके ये चेंज हो गई थी रैशनल इमोटिव थेरेपी रैशनल इमोटिव यानी कि इमोशनल का जो टच है जो इमोशन का टच है इमोशन का जो एलिमेंट है वो इसके अंदर ऐड हो गया था फिर बाद में जाके ये अगेन चेंज हुई थी नाइन्टीन में 1990 पे में ये फाइनल बनी थी और तब जाके ये क्या हुई थी रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी कि जब हम पर्सन के इमोशंस के साथ साथ हम उसके बिहेवियर की भी बात कर रहे हैं उसके इमोशंस के मॉडिफिकेशंस के साथ साथ हम उसके बिहेवियर के मॉडिफिकेशंस की भी बात कर रहे हैं दोनों ही एलिमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए कौन कौन से एक इमोशन जिसको हम इमोटिव कह रहे हैं और दूसरा बिहेवियर तब जाके फाइनली एक आर अप्रोच e. के नाम से जाना गया और ये 1990 में ये ओरिजिन हुआ इसका ठीक है यहाँ ये आपको इस रूप में पाया गया इसके फादर कौन थे इनके फादर थे एल्बर्ट इल्स एल्बर्ट इल्स इनके फ़ादर थे आर e. एक तरह का एक्शन है जो कि ओरिएंट करता है अप्रोच को ताकि एक पर्सन कैसे अपने कॉगनेटिव इमोशनल और बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस को ओरिएंट कर पाए उसे ये ठीक कर पाए तब हम आर ई बी टी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं क्यों अप्रोच कर रहे हैं आर ई बी टी अप्रोच वैन द पर्सन इज हैविंग द प्रॉब्लम एंड पर्सन इज ट्राइंग टू मैनेज हिज और हर कॉग्नेटिव इमोशनल एंड बिहेवियर डिस्टर्बेंसिस डेट्स वाई वी आर यूजिंग आर ई बी टी अप्रोच एंड आर ई बी टी अप्रोच इज़ प्रैक्टिकल इन नेचर ये काफ़ी प्रैक्टिकल है नेचर में और हर एक काउंसलर इसका यूज़ करता है क्योंकि के अकॉर्डिंग ह्यूमन इमोशंस और बिहेवियर एक पर्सन का रिजल्ट है कि कैसे पर्सन किसी चीज़ को परसीव कर रहा है उसको थिंक कर रहा है अज्यूम कर रहा है और उसका बिलीव बन बन रहा है ठीक है और ये ह्यूमन इमोशंस के ऊपर काम करती है ज़्यादा से ज़्यादा उसके बिहेवियर के ऊपर ये काम करती है और काफ़ी प्रैक्टिकल होती है और इसे ज़्यादातर काउंसलर यूज़ करते हैं अगर पर्सन को काउंसलिंग करनी होती है तो और ये इफेक्टिव होता है अपने नेचर में ठीक है तो आई होप आपको एल्बर्ट इल्स का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा एल्बर्ट इल्स ने आर e. अप्रोच दिया था इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था रैशनल थेरेपी से हुआ था बाद में जाके इसके अंदर चेंजेस आए फिर ये रेशनल इमोटिव थेरेपी बन गई फिर इनके अंदर इनको कमी महसूस हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ इमोशन इसमें काफ़ी नहीं है आपको क्या करना है इसके अंदर बिहेवियर भी एलिमेंट जोड़ना पड़ेगा इसलिए लास्ट में जाके 1990 में इसका फुल नेम बना यानी कि रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जिसके अंदर इमोशंस के साथ साथ बिहेवियर का एलिमेंट भी ऐड हो गया और इन्होंने कहा है कि आर ई बी टी अप्रोच हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ताकि एक पर्सन अपने कॉगनेटिव इमोशनल और इसके साथ साथ बिहेवियरल जो तो डिस्टर्बेंस है जो प्रॉब्लम है उसको ओरिएंट कर पाए उसको वो दूर कर पाए इसलिए हम आर ई बी टी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं और जनरली ये आर ई बी टी अप्रोच प्रैक्टिकल होता है नेचर में और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है नेचर में इसलिए मोस्टली काउंसलर इसको यूज़ करते हैं किसी पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए तो आई होप ये आपको समझ आया होगा ये एक पूरा आपको मैंने बता दिया इस पूरी स्लाइड में और आप इसे कभी नहीं भूलोगे इसको याद रखना ठीक है ये जो एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको समझाया ये आपको हमेशा ही रिमेंबर रहेगा अपने माइंड में आपको स्टोर रहेगा आप इसको इस तरह से लिख सकते हो नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हो नेक्स्ट है कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू आर ई पी टी इट इज़ लार्जली आर थिंकिंग अबाउट इवेंट्स डेट लीड्स टू इमोशनल एंड बिहेवियरल अपसेट आर ई बी टी अप्रोच के अंदर काफ़ी सारे इवेंट्स आते हैं जो कि एक इमोशनल और बिहेवियरल को दर्शाते हैं ठीक है इसके साथ साथ ये एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि कैसे वो अपनी नेगेटिव इमोशंस को और अन हेल्पफुल थिंकिंग को क्या कर पाए एग्जामिन कर पाए उसे चैलेंज कर पाए उसके साथ डिफीट uh, कर पाए और एक अच्छा और हेल्दी जीवन जिए एग्ज़ाम्पल कभी हमारे कई सारी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम हमें काफ़ी बार फेलियर्स मिलते हैं अपनी लाइफ में काफ़ी बार हमें फेलियर्स मिले होंगे अपनी लाइफ में हम क्या करते हैं हम सब अपनी लाइफ में इस आर ई e. का अप्रोच यूज़ करते हैं आर ई हमें किससे मिल रहा है यह अप्रोच कौन यूज़ कर रहा है हमारे सारे के सारे पेरेंट्स ऐसे लोग जो कि हमें हमेशा ही मोटिवेट करते रहते हैं हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए हमारी हेल्प करते रहते हैं और हम अगर कभी भी हमें फेलियर महसूस होता है तो हमारे टीचर्स हमारे पेरेंट्स हमारे पीयर्स हमेशा हमारे साथ लगे रहते हैं खड़े रहते हैं और ये सब के सब आर ई बी टी का यूज़ करते हैं आर ई बी टी अप्रोच का यूज़ करते हैं और आर ई e. बी टी अप्रोच हर एक पर्सन यूज़ करता है अपनी लाइफ में ताकि इस अप्रोच को यूज़ करते हुए इंसान समझ पाए कि उसके लाइफ में कौन कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है कौन कौन सी ऐसी अनहेल्पफुल थिंकिंग है जो कि एक तरह का रोड़ा बन रहा है उनके सक्सेस के आगे एक तरह का बैरियर बन रहा है उस बैरियर को हम कैसे रिमूव करें कैसे हम अपने गोल को अचीव करें कैसे हम अपने जे को अचीव करें तो ये सब कुछ हम आ, पाने के लिए हम क्या करते हैं आर ई बी टी का अप्रोच का यूज़ करते हैं जिसमें एक पर्सन अपने अनहेल्दी इमोशंस को डिफीट करता है लगातार लगातार वो डिफ़ीट करता है हर तरीके से सोचने की कोशिश करता है कैसे कैसे वो अपने गोल की तरफ बढ़ा जाए रैशनल थिंकिंग होती है इसके अंदर तब जाके उसे अंत में अपना गोल अचीव हो जाता है इसी तरह से आर ई बी टी चलता है आर ई बी टी हमारा प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर कोई इसका यूज़ कर रहा है थोटिकल नहीं है ये प्रैक्टिकल है हर पर्सन इसका यूज़ कर रहा है काफ़ी फिजिबल होता है नेचर में काफ़ी क्या होता है फिजिबल होता है अपने नेचर में हर कोई इसका यूज़ करता है ताकि वो अपनी नेगेटिविटी को कोप अप कर पाए अपनी इंडिविजुअल की हेल्प कर पाए, और अपनी सारी की सारी एडवर्सिटी है उसे ओवरकम करते हुए अपने गोल को अचीव कर ले आर एक ऐसा प्लेस है जो कि हमेशा ही एक गुड डील है ताकि हम अपने प्रेजेंट पे फोकस करें ये हमें लगातार मोटिवेट करता रहता है अप्रोच कि हम अपने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को देखें फ़र्क नहीं पड़ता पास में कितने फेलियर्स आए फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर क्या होगा हमारा कि हमारे हाथ में कुछ है होगा कि नहीं होगा क्या हमें सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगी फ़र्क पड़ता है अपने प्रेजेंट पे कि हम अपने प्रेजेंट को कैसे सुधारें प्रेजेंट में क्या काम करें और प्रेजेंट पे कितना अच्छा कर पाए ताकि हम अपना बेस्ट दे सकें विदाउट एनी काइंड टेंशन विदाउट एनी काइंड फीयर कि वट विल हैपन नेक्स्ट एंड वट वॉज हैपन इन आर पास्ट वी हैव फोकस्ड ऑन आर प्रेजेंट हमें अपने प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए बस ये आपको इतना ही कह रहा है आर्य बेटी हमेशा ही एड्रेस करता है आपके एटीट्यूड पर आपके अनहेल्दी इमोशन पर आप क्या करते हो इस अप्रोच का यूज़ करते हो ताकि आप अपने सारे के सारे डिप्रेशन को सारे के सारे एंगर एनजाइटी और इन सभी तरह की जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर पाओ दूर करते हुए आप कैसे एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो कैसे नए तरीके से आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जो आपको मोटिवेट करती है आपको गोल की तरफ जाने के लिए तो ये सारे की सारी चीज़ें एक आर ई बी टी अप्रोच के अंदर समाई हुई है ठीक है आर ई बी टी प्रैक्ट जो प्रैक्टिशियर थे जो इसके यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं इस अप्रोच का यूज़ करके क्लोजली वर्क करते हैं इंडिविजुअल के साथ और उसकी मदद करते हैं कि पर्सन अपने गोल्स को अपने बिलीव्स को आइडेंटिफाई कर पाए इसके अंदर बेस्ट ये है इस अप्रोच का बेस्ट मकसद ये है कि जिस पर्सन के साथ वो यूज़ हो रहा है ना ये अप्रोच इसमें जो पर्सन उसका यूज़ कर रहा है वो अपने जो भी आइडियाज़ है जो भी डिसीजंस है वो थोप नहीं रहा है उस पर्सन पे वो कोशिश कर रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है जो अभी दुखी है जो जिसको फेलियर्स मिल रहे हैं अपनी लाइफ में बार बार मार खा रहा है तो वो क्या करें सोचे उसके बारे में सोचे और फिर उसको एक तरह से एक अपनी राह बनाए कि कौन सी राह को वो डिज़ाइन करेगा जो उसकी उसकी मंजिल पर लेके जाए ठीक है इस तरह से ये हेल्प कर रहा है और इसलिए ये बेस्ट अप्रोच होता है इसमें कोई भी डिसीजन थोपा नहीं जाता पर्सन पे जबकि पर्सन खुद अपने डिसीजन लेता है अपनी नेगेटिविटी जो फीलिंग्स है उसको ओवरकम करते हुए अपने गोल की तरफ जाता है ठीक है तो ये काफ़ी रियलिस्टिक होता है अपने नेचर में काफ़ी सेंसिबल होता है क्योंकि हम हमेशा और हम सब इस आर -E अप्रोच का यूज़ करते हैं और ये रियलिस्टिक होता है और ये प्रैक्टिकल होता है तो आई होप ये आपको सारे के सारे की पॉइंट समझ आए होंगे गए आर -E अप्रोच के क्या क्या इंपॉर्टेंट था आर -E अप्रोच का क्यों यूज़ कर रहे हैं ताकि पर्सन अपने जितने भी स्ट्रेस है जितनी भी एडवर्सिटी है उसको कॉपअप कर पाए और अपने गोल को अचीव कर पाए अपने प्रेजेंट पे फोकस करें और इसलिए हम आर का अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं अपने नेगेटिव और एटीट्यूड को वो भगाए और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को जिए एक नई फीलिंग्स उसके अंदर जनरेट हो एक नई सेटिसफेक्शन उसे मिले अपनी लाइफ को कैसे वो लीड करे आगे उसकी एक राह मिले उसे इसलिए हम आर अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं आपको सिंपल एक सरल भाषा में मैंने समझा दिया आप कभी नहीं भूलोगे इस एक्सप्लेनेशन से ठीक है अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपको आर अप्रोच की कुछ आ, बेसिक्स ठीक है कुछ बेसिक्स आप, आपको बताते हैं इसके अंदर आर मतलब क्या है आर मतलब है रैशनल रैशनल का यूज़ कर रहे हैं कि व्हेन मोस्ट पीपल रियलाइज डेट व्हेन दे थिंक मोर रैशनली दे रीज़नेबली देयर लाइफ गोज बेटर अब हम सब के अंदर ये एक क्वालिटी होती है और ये सब के अंदर इनबिल्ड होती है जैसे कि फ़ोन के अंदर जो इंटरनल मेमोरी आती है वो इनबिल्ड होती है ना उसी तरह से हम सब के अंदर ये क्वालिटी है इनबिल्ड है रैशनल सोचने की मतलब हम क्या करते हैं हर तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज निकालते हैं किसी प्रॉब्लम का हमारे अंदर ये रैशनल बिहेवियर होता है रैशनल इसलिए होता है क्योंकि हम हर एक चीज़ को कई सिरों से देखने की कई सिरों से जोड़ तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि इन सब चीज़ों का देख कर हम एक बेटर सोल्यूशन निकाल सकते हैं अब एग्ज़ाम्पल है आप किसी मार्केट में गए आपको फ़ोन परचेज़ करना है आपने क्या किया फ़ोन को आप डायरेक्टली तो परचेज़ नहीं करोगे हमारे एक इंडियन जो इंसान की ये मैंटेलिटी होती है हर चीज़ की खोजबीन करना कि हर चीज़ की देखना कि क्या मुझे ये सामान जो मुझे मिल रहा है ये सही प्राइस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा और जो बाहर जो दुकान पर बैठा है कहीं मुझे ठग तो नहीं रहा कहीं वो मेरे साथ गलत तो नहीं कर रहा तो हम क्या करते हैं हम ये रैशनल तरीके से सोचते हैं हर तरी हर तरीके से जोड़ तोड़ करके आ, किसी भी चीज़ को सोचते हैं और अंत में जाके हम एक ना एक सॉल्यूशन तो निकाल लेते हैं इसी तरह से रैशनल अप्रोच है कि पर्सन क्या कर रहा है डिफरेंट तरीके से सोच रहा है और वो समझता है कि ये सब करने से उसकी लाइफ है वो बेटर हो जाएगी इसलिए आर मतलब रैशनल रैशनल तरीके से सोचना फिर आता है इमोटिव इमोटिव क्या है हमारा कि जिसके अंदर आपके इमोशंस आ जाते हैं कि पर्सन क्या कर रहा है अपना दिमाग तो लगा रहा है रैशनल के अंदर हमेशा दिमाग आता है आपका माइंड की प्रोसेसिंग आती है आप आइडियाज़ देखते हो आइडियाज़ देखते हो और खोजबीन करने की कोशिश करते हो अब आपने खोजबीन तो कर ली नेक्स्ट स्टेप पे क्या आता है आपके इमोशंस अब आपके इमोशंस इमोशन्स करते हैं इसके बाद कि क्या मुझे मेरे लिए सही है या गलत कि आपने पहले दिमाग से तो सोच लिया आप दिल से सोच रहे हो अब आप अपने इमोशंस का यूज़ कर रहे हो फिर आता है आपका बिहेवियर कि जब आपका माइंड और इमोशन यानी रैशनल और इमोशन आपके दोनों एक साथ चल जाते हैं तब जाके आप बिहेवियर अपना करते हो कोई एक्ट करते हो अब उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया अब आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो एक्ट कर रहे हो बिहेवियर के अंदर आ गया अब आता है लास्ट में थेरेपी थेरेपी यानी कि अब क्या कर रहे हो उसको आप क्या कर रहे हो यूज कर रहे हो उस पर्टिकुलर बिहेवियर का यूज़ कर रहे हो आप थेरेपी में यूज कर रहे हो ट्रेनिंग में यूज कर रहे हो उसको लगा रहे हो तो ये आपका थेरेपी के अंदर आ जाता है ठीक है तो आई होप ये आपको सारा का सारा समझ आया होगा आर ई बी टी अप्रोच क्या है आर यानी कि रैशनल तरीके से सोचना रैशनल ई e मतलब जिसके अंदर इमोशंस आपका इंटरप्रेट कर रहे हैं इमोशंस इसके अंदर आ रहे हैं इमोशंस का काफ़ी बड़ा इफेक्ट है इमोशंस आपके थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर दबाव डाल रहे हैं फिर आता है बिहेवियर कि जब आपका माइंड और इमोशंस दोनों साथ के साथ चल गए दोनों में जु जुगलबंदी होगी जुगलबंदी के बाद में आप क्या कर रहे हो बिहेव कर रहे हो बिहेव कर लिया लास्ट में जाके आपका क्या हो गया थेरेपी हो गई थेरेपी की जिससे यानी कि ट्रेनिंग होगी टीचिंग होगी कि आप लगातार उसको आप यूज़ करते जा रहे हो उस अप्रोच को और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते जा रहे हो और डेली और डे टू तो डे लाइफ में आप इसका यूज़ करते हुए और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते जा रहे हो तो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है ठीक है अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर ई बी टी का ए बी सी डी ई e. एफ टेक्निक ये हमेशा एग्जाम में आता है और आपको देखना है कि पहले क्या आता है जो हमारा आर ए बी टी अप्रोच में सबसे पहले आता है ए ए को हम क्या कह रहे हैं ए रेफर करता है आपका एक्टिवेटिंग इवेंट और अ सिचुएशन जो ट्रिगर करता है अ नेगेटिव रिएक्शन और रिस्पॉन्स और ए क्या है एक लैक ऑफ रिप्लाई जिसको हम कह रहे हैं अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं क्या कह रहा है एग्जाम्पल जब एक पर्सन है काउंसलर के पास जाता है काउंसलर यानी कि जो क्लाइंट है काउंसलर के पास जा रहा है तो जो काउंसलर है वो क्या कर रहा है ट्रिगर कर रहा है ट्रिगर कर रहा है किसको अपने क्लाइंट को ट्रिगर करते हुए उसे जानने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रॉब्लम को उसको एक्टिवेट कर रहा है ठीक है उसको क्या कर रहा है एक्टिवेट कर रहा है एक क्लाइंट को ठीक है फिर आता है बी बी हम क्या कर रहे हैं बिलीव्स और irrational thoughts थाट्स यू माइट हैव अबाउट एन इवेंट और सिचुएशन ए को हम एक तरह से प्रॉब्लम में देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम है जिस जो कि एक्टिवेटिंग इवेंट है कि हमें इस पर अभी फोकस करना है जो मुझे ट्रिगर कर रही है बार बार वो क्या कर रही है एक तरह का नेगेटिव रिएक्शन है ठीक है जो मुझे बार बार दिक्कत कर रही है वो मेरा एक्टिवेटिंग इवेंट में आ गया अब बी क्या है आपका बी के अंदर आता है आपके बिलीव्स और आपके इ रैशनल थाट्स बिलीव्स के साथ साथ आपके इ थॉट्स थाट्स इसके अंदर रह जाते हैं एग्जाम्पल की बिलीव बी मतलब कि बिली जो कि आपको क्या कर रहे हैं डोंट वॉन्ट टू सी यू एनीमोर और दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड यू विल बी अलोन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ अब एक्टिवेटिंग इवेंट आपका क्या है प्रॉब्लम है कोई अब आप क्या कर रहे हो आप एक बिलीव बनाने की कोशिश कर रहे हो उसके बारे में आप इेशनल थाट्स इसके अंदर आ रहे हैं कि क्या मैं इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल पाऊँगा कि नहीं निकाल पाऊँगा कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में एग्जाम्पल अब आपको फेलियर किसी काम में मिल गई आप क्या है वो आपकी प्रॉब्लम है एक्टिविटिंग इवेंट है कि मुझे मेरा गोल अचीव नहीं हुआ फिर बाद में जाके आप बिलीव बना रहे हो आपके अंदर इरेशनल रैशनल थाट्स आ रहे हैं मतलब नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है कि मैं तो ज़िंदगी भर ये काम नहीं कर सकता मैं तो काफ़ी गया गुजरा हूँ मैं क्या मुँह दिखाऊँगा अपनी सोसाइटी को तो ये आपके क्या बिलीव्स बना रहे हो आप गलत गलत बिलीव्स बना रहे हो अपने बारे में अपनी मेहनत पे और अपनी जो अपनी पोटेंशियल पे आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो ये इसके अंदर आ जाता है फिर सी पार्ट आता है जो रेफ़र करता है कॉन्सिकुनस कॉन्सिक्वेंसिस बता रहा है कि जिसके अंदर आपके क्या आ रही है फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस के साथ साथ नॉट बिंग गुड इनफ कि आपके अंदर डिस्ट्रेस इमोशंस आ रही है कॉन्सिक्वेंसेस आपके अंदर जनरेट हो रही है ठीक है जो कि किससे जनरेट हुई है आपके इरेशनल थॉट्स और बिलीफ से कि पहले क्या था कि मेरा जो गोल था मैंने अचीव नहीं कर पाया ये मेरा एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया फिर बी क्या है बी में मतलब आपने बिलीव बनाना स्टार्ट कर दिया मतलब आपके अंदर नेगेटिविटी आ, आ रही है अपने बारे में फिर सी क्या है सी के अंदर आपके कॉन्सिक्वेंसेज आ गई कि मैं तो गया गुजरा हूँ मैं नहीं कर सकता मैं बर्थ लेस हूँ तो ये सारी के सारी नेगेटिविटी आपके अंदर समा गई फिर आता है आपका डी डी क्या है डी आपका डिस्प्यूटिंग आता है डी आता है डिस्प्यूट करना कि जब आप अपनी नेगेटिविटी के साथ डिस्प्यूट कर रहे हो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो उसे अब आप क्या कर रहे हो उसे भगाने की कोशिश करो लड़ रहे हो उसके साथ अब अब आपने देख लिया कि भाई ये ये मेरे साथ फेलियर हुआ है मेरा बिलीव ये बन गया कि मेरे अंदर काफ़ी सारे इरेशनल थॉट्स जनरेट हो गए अब इस इरेशनल थॉट से मैं अपने आप को गलत महसूस कर रहा हूँ नेगेटिविटी फील कर रहा हूँ अब डी ऐसी स्टेज है जो कि आपको एक अलग से साहस दे रही है आपको एक डिस्प्यूटिंग स्टेज है कि जब आप अपने जो इरेगुलर और इैशनल uh, थाट से उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो आप क्या कर रहे हो उसे लड़ने की आप कोशिश कर रहे हो ठीक है जब आप उसे लड़ रहे हो जब आप उसे उसे नकार रहे हो बाद में जाके आपका एक तरह से इफ़ेक्टिव फीलिंग जनरेट हो जाएगी आप में फिर से वो विश्वास पैदा हो रहा है फिर से आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है उस गोल को फिर से अचीव करने के लिए एग्जांपल अभी मैं जे के लिए तैयारी कर रही हूँ जैसे कि हम सब जैसे आप क्या कर रहे हो जे के लिए तैयारी कर रहे हैं ठीक है आप एक लो कि अपने अपने तरफ से लेके जाओ कि मैं लड़की हूँ और मैं क्या करी हूँ जे आर एफ को के लिए तैयारी कर रही हूँ ठीक है अब मैं क्या करती हूँ एग्जाम्पल कि पहले कई सारे मैंने दिए तो वो क्लियर नहीं हुआ ठीक है ये मेरी प्रॉब्लम है कि कई सारे दिए वो क्लियर नहीं हुआ फिर क्या हुआ मेरे अंदर एक तरह से बिलीव ही आने लग गया आप क्वेश्चन कर रहे हो अपने आप पर कि आ, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ मतलब मैं ये तो इतना टफ पेपर है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं और इसके अंदर क्या होगा मेरा भविष्य ये सब कुछ फिर बाद में जाके कॉन्सिक्वेंस निकाल रहे हो कॉन्सिक्वेंस में क्या कर रहे हो कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे इतने गंदे मार्क्स आए आग में जाके गंदे मार्क्स आएंगे तो कैसे अचीव हो पाएगा फिर बाद में जाके डिस्प्यूट हो रहा है डिस्प्यूट के अंदर आपके अंदर इसके इसमें आपके टीचर्स आ आ सकते हैं जो आपको फिर से एक नए सिरे से तैयारी करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं जैसे कि आपको कोई भी टीचर हो सकती है जो आपको मोटिवेट करिए कि नहीं बहुत होगी आपकी जीवन में कॉन्सिक्वेंसिस बहुत होगी आपके इरेशनल थाट्स और बिलीव्स बहुत होगी प्रॉब्लम्स अब क्या है अब तैयारी है जीत की जीत की ओर बढ़ना है हमें अपने गोल जे को अचीव करना है तो ये हमारा क्या है डिस्प्यूटिंग स्टेज की जब आप अपने सारे के सारे नेगेटिविटी को क्या कर रहे हो दूर भगा रहे हो उसे लड़ रहे हो और अपने फिर से आप मोटिवेट हो गए खड़े हुए हो फिर आता है आपका ई जब आप Uh, अपनी नेगेटिविटी को दूर भगा रहे हो और उसे लड़ रहे हो तब जाके आपके अंदर एक इफेक्टिव फीलिंग जनरेट होती है आप क्या करते हो पॉजिटिव तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हो और जब पॉजिटिव uh, so, तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हो अपने रोज के रोज गोल को आप छोटे छोटे माइन्यूट गोल्स को अचीव करते रहते हो तो आपकी न्यू फीलिंग जनरेट हो जाती है ठीक है तो ये हमारा आर अप्रोच है तो आई होप आपको सारा का सारा समझ आया होगा ये कैसे चलता है और ये काफ़ी ही प्रैक्टिकल अप्रोच होता है हर कोई यूज़ करता है इसका मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं जे आर एफ की प्रिपेयर कर रहे हैं जे आर एफ की प्रिपरेशन करवा रही हूँ मैं आपको ठीक है तो हम सबका गोल क्या है कि जे आर एफ को अचीव करना ठीक है मेरी जो ट्रेनिंग है मेरी जो टीचिंग है उसका यूज़ करना ताकि आपको हमेशा ही मैं ऐसे ही मोटिवेट करती जाऊँ अपने गोल को अचीव करने के लिए तो इसलिए मैं भी एक तरह का आर अप्रोच यूज़ कर रही हूँ तो हम सब कुछ आर अप्रोच का यूज़ करते हैं ताकि हम सब अपने गोल को अचीव कर पाए चाहे गोल कैसा भी हो तो आई होप ये आपको सारा का सारा समझ आया होगा आरी बी अप्रोच ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था एक सिंपल सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करना और इसको अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये जो कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेलेबल होगा तो उनके लिए भी अच्छा होगा और एक तरह की हेल्प होगी सबके लिए इक्वली अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते टीचिंग को तो भी वो कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं ठीक है थीके? तो कैसा लगा मेरा वीडियो फीडबैक आप ज़रूर देना और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है डायरेक्टली ज्वाइन करके आप अपने प्रैक्टिस को और बुस्टअप कर सकते हो तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही तब तक के लिए स्टेब्लाइस एंड इंजॉय लर्निंग थैंक यू